नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य, प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और तमाम विशेषज्ञ कह रहे हैं कि यह उपचुनाव 2027 की तस्वीर और तकदीर बदल देगा। वो समाजवादी पार्टी के लिए भी हो सकती है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी हो सकती है। इसीलिए भाजपा और सपा पूरी ताकत से चुनाव लड़ रहे हैं और इनमें एक सीट है कटहरी। योगी जी वहां के प्रभारी बने हैं, प्रभारी तो मिल्कीपुर के भी बने थे, लेकिन मिल्कीपुर में तो उपचुनाव ही नहीं हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि चुनाव आयोग बिक चुका है, चुनाव आयोग से कहा गया है कि आप अभी मत कराइए, बाद में इस सीट पर हम देखेंगे, क्योंकि सपा बड़ी मजबूत है वहां पर। और जो कटहरी सीट है, जब प्रभारी योगी जी बने हैं वहां पर भी खबरें निगेटिव आ रही है बीजेपी के लिए। क्यों निगेटिव आ रही है? क्योंकि मेरे भाई बीजेपी वहां 1991 में चुनाव जीती है और कभी चुनाव जीती ही नहीं है 1991 में। और चलो ठीक है, बीजेपी के जो प्रबल दावेदार थे, जिनको लोग मान रहे थे कि इन्हीं को टिकट मिलेगा, अवधेश द्विवेदी बहुत ही मजबूत नेता हैं, दो बार चुनाव लड़े, 6,000, 7,000, 6,500, 7,500 ऐसे हारे हैं। हम एक्चुअल आंकड़े पर जाएंगे तो एक बार लगभग 6,500 से हारे हैं, एक बार 7,500 से हारे। बहुत मजबूत नेता। और कब हारे? जब दो ब्राह्मण मिलकर चुनाव लड़ गए तब। और उनकी घर घर में पकड़ है। अब बीजेपी ने जब उनको टिकट नहीं दिया तो उन्होंने एक दिवाली मिलन समारोह बुलाया अपने कार्यकर्ताओं के लिए। उसमें गायब थी फोटो किसकी? बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की, जो केशव मौर्य के लोग लगाते हैं, योगी के लोग लगाते हैं, मोदी के लोग लगाते हैं, सबकी फोटो लगाए नहीं रहते हैं, नीचे खुद बने रहते हैं। लेकिन बेचारे अवधेश द्विवेदी जी की तबीयत खराब हो गई, गंभीर खराब हो गई है। हालांकि ठीक हो जाएंगे हमें उम्मीद है। नेता चाहे जिस पार्टी का हो, व्यक्ति चाहे जिस पार्टी का हो, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर सब कामना करते हैं। हमारे देश की राजनीति में ये होता है, इसका सम्मान होता है, कम से कम आदमी ठीक हो जाए। और बहुत मजबूत पकड़ वाले नेता हैं। जब उनको टिकट नहीं मिला तो ब्राह्मण समाज बहुत नाराज है। क्यों नाराज है? 1991 में ब्राह्मण विधायक बना था उस सीट पर कटहरी में बीजेपी से। 1991 जब हम पैदा नहीं हुए थे, हमारी पैदाइश बताई जाती है 1994, जो घरवाले लिखाए हैं मार्कशीट में। उसके बाद ब्राह्मण विधायक ही नहीं पैदा हुआ, मतलब ब्राह्मण विधायक ही नहीं बना उस सीट पर, मैं बता रहा हूं। तो ब्राह्मण समाज के लोग अपने आप को ठगे महसूस कर रहे हैं। और दोस्तों, इस सीट पर जब लालजी वर्मा को टिकट मिला है सपा से, तो बसपा ने भी वर्मा को उतार दिया है मैदान में, ताकि वर्मा का टिकट कट, वोट कटे और बीजेपी जीत जाए। बीजेपी ने निषाद को दिया है, इसीलिए भीम निषाद टिकट मांग रहे थे। निषाद की आबादी यहां करीब 30,000 बताई जाती है और पटेल जो है उनकी 45,000 बताई जाती है। ये सब आंकड़ा है, लगभग में आंकड़ा है भैया, कोई लिख के नहीं रखा है, गिन के नहीं रखा है, कोई जातिगत जनगणना हुई नहीं। और यादव समाज अच्छा खासा है यहां पर और मुस्लिम समाज 50,000 के ऊपर है। तो सारी भूमिका ब्राह्मण पर आ चुकी है, ब्राह्मण। और जो अवधेश द्विवेदी के कट्टर समर्थक हैं, जो लोग हैं, योगी जी भले बुला के मनाए, ऐसा करिए अवधेश द्विवेदी जी, या ऐसा करिए हम आपको ये दे देंगे, वे दे देंगे, ऐसा कुछ जल्दी होता नहीं। बीजेपी में अच्छे खासे नेताओं की हालत खराब हो जाती है बेचारों की, क्योंकि बहुत नेताओं को आपने देखा होगा जो समाजवादी पार्टी में अच्छे पद पर रहे, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव से सीधा संपर्क रहा, गुस्से में बीजेपी ज्वाइन किए और बीजेपी हार भी गई। 7-8 विधायकों को आपने देखा होगा अभी, जहां जहां ज्वाइन किए कुल हार गई, बुरी तरह हार गई। बाकी तमाम ऐसे नेताओं की लंबी लिस्ट है जो सपा में थे या बसपा में थे, उनकी कद्र थी, लेकिन बीजेपी में चले गए, कद्र नहीं है। यही है भैया अवधेश द्विवेदी, वाकई में मजबूत नेता है उस इलाके के, क्योंकि दो बार लड़े हैं, इनकी
वोट आप परसेंटेज को देखकर हम बता रहे हैं हम आपको। देखिए किसी भी पार्टी के नेता हो जो मजबूत है उनको मजबूत बोला जाएगा। ये तमाम तरह के सम्मेलन कर रहे थे लेकिन सम्मेलन वगैरह अब बेचारे की तबीयत खराब हो गई है, हालांकि ठीक हो जाएंगे ऐसी लोगों को उम्मीद है और ठीक भी हो जाएंगे। यहाँ पर अवधेश की बिगड़ी हालत, लखनऊ अस्पताल में भर्ती किया गया है और 2017 का चुनाव लड़े, 22 का चुनाव लड़े, इस बार भी उन्हें टिकट मिलने की पूरी संभावना थी। अंतिम क्षणों में दो बार के नरन रहे, अवधेश द्विवेदी का टिकट काट दिया गया। जब यहाँ पर टिकट काट दिया गया नामांकन में भी शामिल नहीं हो सके, मतलब इनके नामांकन में धर्मराज निषाद ने इनको मनाने की कोशिश की लेकिन माने भी नहीं, वहाँ गए भी नहीं। और इनको लेकर के जो खबर आई है कि तबीयत इनकी ख़राब है, हालांकि तबीयत वबीयत ठीक हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, तबीयत ठीक भी होनी चाहिए। और इनके जो समर्थक हैं वो इस समय जान लीजिए बीजेपी को हराने के लिए पक्के तौर पर काम करेंगे। बीजेपी को जुगाड़ करना पड़ेगा, बीजेपी वैसे यहाँ पर चुनाव नहीं जीती है, कुर्मी इकट्ठा हो चुके हैं, यादव मौर्या मतलब अधिकतर वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में ही जा रहा है, आप सब जानते हैं। यहाँ पर जब 1991 में नहीं जीती, 2017 में नहीं जीती, 2022 में नहीं जीती, 2012 में बीजेपी नहीं जीती, तब कब जीतेगी? अब बेईमानी हो जाए तो बात अलग है लेकिन लालजी वर्मा के पक्ष में हवा बहनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि अभी जब रैलियाँ होंगी ना तब सारा मामला गर्म हो जाएगा। आपकी जो भी राय हो आप अपनी राय को बताइए ना।